चलेगा, अक्षय का जब दीप जलेगा, तब कोई ना तुझे चलेगा। तेरा तू चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, गांव की हर मौसी ताई लिखेगी अपनी चिट्ठी भाई, लिखेगी अपनी चिट्ठी भाई। काम धाम के साथ उनको करनी होगी पढ़ाई, करनी होगी पढ़ाई। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। हम किस गांव में हैं? करमपुरा उस्ताद, अभी अभी गांव का एक्सरे करके आ रहा हूँ। चमूरे एक्सरे नहीं, सर्वे। सूरी उस्ताद, एयरपोर्ट हूँ। चमूरे एयरपोर्ट नहीं, रिपोर्ट। सूरी उस्ताद, सूरी तो शेरशाह सूरी होता था, चमूरे सॉरी। सारी के नाम याद आई है, स्टारी। स्टारी नहीं, स्टोरी। स्टोरी उस्ताद, स्टोरी इसी गांव की है जमुरे। बेशक उस्ताद। तो सुना, इस गांव का था एक प्रधान, नाम था चौधरी घनश्याम, जनता समझती थी उसको साक्षात भगवान। सरला बोल, ये हरिराम को पगार कोई 10-12 दिन पहले ही मिल गई होगी। सो तो है, तो फिर वाको पैसा क्यों ना आया अभी तक? आ जाएगो, चिंता काय करे। अरे चिंता काय को ना करें, खेत बिना खाद के सड़े जा रहे। प्रधान जी से कल ही तेरे बापू 100 रुपया उधार ले आए कि कम से कम घर का खर्चा पानी तो चला सके। बेचारे प्रधान जी, क्या सोचते होंगे कि धनी राम हर 2 महीने 100-200 उधार ले लिया करे। तेल और धर दो कि बस थोड़ा सा और धर के कंघी कर दे। हीरे प्रधान जी का कहा है, वो तो साक्षात भगवान है। हाँ भाई डाक बाबू, कुल्ल के मनी ऑर्डर ले आए हो आज? आज तो 4 ही है प्रधान जी। 1500 का धनी राम के लड़के का है और 1300 का केसर ने अपनी घरवाली को भेजा है। हाँ, सुखिया ने आपके 1800 भेजे हैं और जगत सिंह ने अपनी माँ को 3000 का मनी ऑर्डर भेजा है। और तुम्हारा क्या हिसाब बैठा भाई? अब जो आप दे देंगे सो ठीक ही रहेगा। वैसे इस बार दामाद जी आने वाले हैं, उनके हाथ पे भी 400-500 रख के ही बेटी को विदा कर रहा। चल भाई दयाराम, जल्दी से जोड़ घटा करके इनका हिसाब साफ कर। प्रधान जी 5% से 380 रुपए हुए। प्रधान जी 1-8% बढ़ा देते तो। अब इसे बेटी विदा करनी है प्रधान जी, बढ़ा भी दो। चल तू भी क्या याद करेगा, 2.5% बढ़ा दिए तेरे पूरे हैं। चलो जी दयाराम, इनका जोड़ घटा करके सारा हिसाब साफ करो। प्रधान जी 570 रुपए हुए। 570 रुपए, चुप कर। अरे इनके बच्चों के लिए मिठाई क्या तेरा बाप देने आएगा? आप 600 रुपए काट के सारे फार्म इनको दे दो जी। अच्छा जी। ये लीजिए। अब आप जाओ जी सवेरे सवेरे अपने घर को। ले भाई धनी राम की बहू, गिन ले, पूरे 1000 रुपए हैं। अरे आपने तो गिनी लिए होंगे प्रधान जी। वैसे प्रधान जी, हरी राम ने तो 1500 भेजने की कही थी। अरे बड़ा नेक छोरा है तेरा हरी राम, जो हर महीने 1000 रुपए भेज दे रहे तुझे। वहाँ शहर में महंगाई जो है ना, वो तो लौकी की बेल की तरह बढ़े हैं। 20 रुपए में तो एक बखत का खाना नसीब हो है, और कहीं बीमारी हारी लग जाए तो 200-400 रुपए यूं चुटकियों में सपा। अच्छा जी, रख लो जी,
सरला के बापू ने आपसे लिए थे। अरे रहने दे रहने दे, मैं कोई भागे थोड़े ही जा रहा हूँ, अगले महीने ले लूंगा सब। हाँ। राम राम प्रधान जी। जीती रहे बिटिया, जीती रहे जीती रहे। अरे ये क्या ले आई भाई? अरे भाई हमें अपनी प्रजा को खिलाना चाहिए और यहाँ प्रजा ही हमें खिला रही है। अरे प्रधान जी, अगर आप हमारे यहाँ एक गिलास पानी भी पी लेंगे तो हम समझेंगे हम तर गए। अब इतना कह रहे हो तो ये लो, मैंने खा लिया। बेटी पानी ठंडा है ना? हाँ माँ। लो यहाँ पे अंगूठा लगाओ दोनों जगह पे। पर केसर की बहू, इन पैसों को तो संभाल के धर ले। अरे कहीं उड़ उड़ आके अगर पानी में चले गए तो खून पसीने की कमाई की लुगदी हो जाएगी। प्रधान जी, आपको हम सबे की वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ेगा ना? अरे ये हमें परेशानी काहे की? अब प्रधान होके आपको डाकिये का काम करना पड़ेगा। अरे भाई तुम लोगों की खोज खबर लेने का कोई तो बहाना होना चाहिए कि नहीं? लाओ फार्म दो, अभी दो घर और जाना है मुझे। चलो सही तो लगा है ना? अरे पिछले 10 साल से अंगूठा लगा रही है और पूरे गांव में तेरे जैसा अंगूठा लगाने वाला तो है ही ना। अच्छा भाई चले हम तो। राम राम प्रधान जी, आपने कैसे तकलीफ करी? अरे वो तुम्हारे छोरे ने 1200 रुपए भेजे हैं। हाँ। और तुम तो जानो भैया, मुझ पे तो किसी का भी बोझा दो पल के लिए भी रखे ना जावे रुपए पैसे का। वैसे आप हमसे कहलवा देते, हम सेवा में खुद ही हाजिर हो जाते। अरे तुम कैसे सेवा में हाजिर हो जाते? एक बात बताओ, तुम हमसे बुजुर्ग हो के नहीं? हाँ, सो तो है। बस तो फिर ये लो पूरे 1200 रुपए हैं, गिन लो भैया। सही है, आप तो हमारे लिए साक्षात भगवान हो। तो लगाओ अंगूठा। से पूरे ही 1200 ही है। तो अंगूठा लगाओ, ये ले ला, यहाँ यहीं। गांव वाले को इसकी कारस्तानी का पता नहीं चलता। नहीं पता चलता, ज्यादातर लोग रोजी रोटी के लिए गांव के बाहर जाते हैं। और जो बच्चे हैं जमुरे, वो बेपढ़ लिखे हैं। और औरतें, वो भी अनपढ़। ये कितने साल से प्रधान है जमुरे? उस्ताद 15 साल से। यानी पिछले 15 साल से ये गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। गांव की औरतों को विश्वास मिले उनका वोट हथिया रहा है। ये तो नारी शक्ति का घोर अपमान है। बिन विद्या पढ़े नारी शक्ति का ईमान है। आपकी अपना विरोधी किसे खड़ा कर रहे? अरे वो सुखिया ना है, उसे खड़ा कर देंगे। बात तो ठीक है पर एक डर है मुझे। अरे काय का डर है? देखो सुखिया ठहरा आपसे ज्यादा बुजुर्ग। हाँ, तो? और गांव में ज्यादातर वोट है औरतन के, वे बड़े छोटे का बड़ा लिहाज करें। हाँ, अगर 1% भी मान लो कि उनका दिमाग फिर गया तो। भाई बात तो सही कह रहा तू, ऐसा कर तू खड़ा हो जा मेरे खिलाफ। जे का कह रहे हैं आप? अरे हम तो पिछले 4 साल से आपके पीछे ही दिखे। गांव वालन को सारी की सारी समझ आ जाएगी कि हम तो सिर्फ नाम के विरोधी हैं। इसों के लिए एक चाल सूझी। हाँ हाँ बता बता। 1 महीने बाद इलेक्शन है और हरिराम 10 दिन की छुट्टी पे कलकत्ता से आ रहा है, वाको खड़ा कर देंगे इलेक्शन में। पर वो क्यों लड़ेगा इलेक्शन? उसे काम पे कलकत्ता वापिस न जाना चाह। अरे चुप कर तू, झनकू ठीक कह रहा भैया। 2-4 हजार रुपए उसे पकड़ा देंगे इलेक्शन लड़ने के और कह देंगे कि देख तेरी कमाई भी हो जाएगी और इलेक्शन हारने के बाद तू वापस चला जाइयो आराम से कलकत्ता को अपनी नौकरी पे। वैसे भैया कलकत्ता में एक बखत का खाना कितने में मिला करे? 500 में भी और 5 में भी। और तू कितना खर्चा किया करता था? 5 रुपए अम्मा, बस और क्या। हे राम,
तू अपना पेट काट काट के हमें पैसा भेजता था? मैं वहाँ 5 रुपए में पेट भर जाया करा। और मकान का किराया क्या देता तू? मकान कहाँ बापू, वो अपने पीछे भूसे वाली कोठरी ना है, वो आगे जितना बड़ा कमरा है वही मेरा मकान है। तो भैया थोड़ा सा बड़ा घर क्यों नहीं ले लेते? हर महीने 1000 रुपए के बजाय 800 भेज दिया करो। क्या कहते ना, 1000 रुपए के बजाय 800 भेज दिया करो। लेकिन मैं तो 1500 रुपए भेजा करता था। पर प्रधान जी तो 1000 दे जाया करते थे। जी कैसे हो सके? तो तू कैसे कह रहा है कि मैं 1500 भेजता था? बापू वहाँ मनी ऑर्डर की पर्ची तो वापस आया करे थी ना, वहाँ पे 1500 रुपए साफ लिखा रहा करा था। मैं समझ गया हूँ। क्या क्या समझ गया? ये डाक खाने वाले को 1500 देता होएगा और वो डाक खाने वाला 1000 यहाँ पे लिख के 500 अपनी जेब में धरता होएगा। क्यों कि ये ठहरा अनपढ़। बापू मैं अनपढ़ था, अब ना हूँ। अरे तो कलकत्ता में जाके तो क्या BME की डिग्री मिल गई? वहाँ जाके मैंने गिनती, ABCD, का खागा, दस्तखत करना, हाजिरी का रजिस्टर भरना, स्टेशन का नाम पढ़ना, घर का पता पढ़ना और लिखना, ये सब सीखा है। मतलब कि मनी ऑर्डर तुम खुद ही भर के भेजा करते थे? शुरू शुरू में तो दूसरों से भरवा लिया करता था, 6-1 महीने बाद खुद ही भरने लग गया। तो जरूर डाक बाबू ने प्रधान जी को बेवकूफ बनाया होगा। सल्ला ना तो प्रधान जी अंधे हैं और ना अनपढ़ हैं। अरे बिना मनी ऑर्डर पर वो डाक बाबू से पैसे कैसे ले सके? तुझे प्रधान जी की कोई चाल तो नहीं? शर्म कर, प्रधान जी जैसे महापुरुष पर लांछन लगा रही। लेकिन अम्मा प्रधान, बस मुझे और ना सुननी एक भी बात उनके खिलाफ। सल्ला तू ही समझा अम्मा को। देखो भैया मैं तो कह रही एक दो जगह से और छानबीन कर लो। सुबह सुबह हरिराम मिला था, वो तो कह रहा था कि केसर मुझे हर महीने 1300 रुपए भेजा करे। हैरी पर प्रधान जी तुझे दिया कितना करे हैं? 800। हाय राम, तुम्हें हरिराम कितना भेजा करे है? 1500, पर मिलता सिर्फ 1000 था। ताई तुम्हें भी तो प्रधान जी जगत के भेजे पैसे ला के दिया करे है। हाँ री, हर 2 महीना बाद 2000 रुपए दिया करे हैं और ऊपर से 200-225 और दिया करे हैं और साथ में कहवे हैं ले रख ले, माँ की सेवा और विधवा सेवा एक समान होए। अब पता ना है कि 2000 ही भेजा करे हैं या ज्यादा। हाँ री, अब के जगत आएगा तो पूछना पड़ेगा, अब तो सब दिल में घर कर गो है, पूछना ही पड़ेगा। ए हरी हरी हरी, बापू तुझे पूछ रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि तुझसे मिलना है। प्रधान जी से तो मोए भी मिलना हूँ मुन्ने। बापू तो शाम को आएगो, शहर गो है प्रधानी के काम से। मुझे तेरे पिताजी से एक बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तू ये बता कि तू कलकत्ता से इतनी देरी से क्यों आया? छुट्टी मिलेगी और किराया भाड़े का पैसा इकट्ठा होगा तभी तो आऊंगा ना बावली। तुझे मालूम है 2 महीने पहले बापू ने मेरी शादी पक्की कर दी। अब मैं कोई शहर की लड़की तो हूं नहीं जो बापू को अपनी मर्जी बताती, और तेरे परिवार वालों ने तो पहल की ही नहीं। चलो अच्छा हुआ। किससे तय की? वो है ना सोमनगर के प्रधान के छोरा से, मालूम है वाके पास कच्ची शराब का ठेको है। बहुत बढ़िया हुआ। क्या तुझे बुरा नहीं लगा? मम्मी पहले लगता। मतलब फिर कभी बताऊंगा, अभी तो मुझे प्रधान जी से मिलना। हरी हरी सुन, चमूर बीच बजरिया को लगाई पोल, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। राम राम हरी। राम राम दया राम। राम राम ताई। ऐसे ना बैठे, सलीमपुर जा रहे खून करने। खून करना या खून कर, ऐसी का जरूरत पड़ी जो खून कर रहे हैं किसी का? ऐसा है दयाराम, जगत गांव में वापस आ रहा है, ताई को उससे जरूरी सामान मंगवाना है। या वक्त तो खंबे के पैसे खर्च हो जाएंगे,
शाम को करियो ना पौवे के खर्च होंगे। अरे सामान ना पौवे और खंबे से भी जरूरी है दयाराम। तेरे लिए खुशखबरी है दयाराम। कैसी खुशखबरी? प्रधान जी कह रहे थे कि रहने दे, रहने दे। रे बता भी। प्रधान जी के मुंह से सुनेगा ना ज्यादा खुश हो जाएगा। बस एक बात बताइयो। रे दूर से ही बोल। इधर तो आया। बोल बोल बोल, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जरा बोल। तू तेरे को 5 दिन हो गया है गांव में, है तू प्रधान जी से क्यों नहीं मिला? रे वो खांसी जुखाम है रे दयाराम, ये कलकत्ते और जहाँ के मौसम में फर्क है कि ना है? ओह कोई बात नहीं, आज शाम को जाओ प्रधान जी से मिल लीजो। हरी तू जल्दी करे, शराबी के का मुंह लगे। मैं तो शराबी कह रही हूँ। अरे नहीं कह रही, चल जा जा जा, आ जाऊंगा शाम को मिलेंगे। चल पिटाई कह रही, पिटाई करूंगी। अरे नहीं कर, जो मेरे से पीटता है ना मैं उसे प्रधान जी बनाता। अरे शाम को मिलेंगे, शाम को मिलेंगे। चल शाम को मिलेंगे। अरे देख ले, मेरे से नहीं मिलेगा प्रधान नहीं बनाऊंगा तुझे मैं। देखो प्रधान की मैं कैसे रहे, ऐसे प्रधान बनाएंगे हम करके चलेंगे। ताई भी देखिए ठीक है, और 20 दिन बजे रह गए हैं, उठा ले हमारे अन पर रहने का फायदा। लेकिन ताऊ जो दूसरा कोई प्रधान बनेगा वो भी तो हमारे अनपढ़ होने का फायदा उठाएगा। सही कह रही जे, क्या बुरा है जो हम अपना अच्छा बुरा सही गलत जाने जितनी पढ़ाई कर लें। लेकिन जहाँ तो पूरा का पूरा गांव एक हो रहा है, हमें पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ा दूंगा। और तू 3 दिन पढ़ा के कलकत्ता से आ जाएगा। बापू अगर तुम तैयार हो ना तो मैं कलकत्ता नहीं जाता। और मैंने पता की थी, अगर मैं चाहूँ तो सरकार मुझे बड़े बूढ़ों की शिक्षा का मास्टर बना देगी और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे तुमको? 2000 तो दे ही देंगे। ठीक तो है, रोज मेहनत मजूरी करके मर मर के कलकत्ता के 3000 से गांव के 2000 क्या बुरे हैं? इच्छा के आगे तुम ये तो भूले ही जा रहा हो कि पहले तो उस कपटी से निपटना। भाई मेरे पास एक सुझाव है। भाई गाँव में ज्यादातर महिलाएं हैं और गाँव की ज्यादातर समस्याएं भी महिलाओं से ही जुड़ी हुई है, इसलिए गांव की प्रधान भी महिला ही होनी चाहिए। जगत की अम्मा, तुम हम सबई में सबसे बुजुर्ग हो, तुम कायनी खड़ी हो जाती हो इस इलेक्शन में? अरे राम राम, का कह रही छोरी? ना ना ना, अरे मैं भला विधवा औरत? ताई विधवा के कौन सी संन्यास ले ली तुमने? अरे खेत खलियान देखती होगी ना। छोरा वो सब एक बात, ये प्रधानी दूसरी बात। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कहाँ बात कर रहा छोरा? फिर भी छोड़ो, पंचन की बात को मान लो। अरे जमूरे अनपढ़ प्रधान बात को जमी नहीं, बात बात उस्ताद सही नहीं। राज से घनश्याम को हटाना आसान नहीं। घनश्याम घनश्याम है, खजाने का दरबार नहीं। पहले शिक्षा फिर राजनीति का चस्का जरूरी है, मगर प्रधान को भी लगना है का झक्का। हरी राम गर प्रधान होता तो क्या बुरा होता? बहुत मुमकिन था ऐसा ही कुछ हुआ होता। अच्छा देख भाई हरी, मैं तुझे अपना और अपने घर वालों का वोट तो दिलवा ही दूंगा, और इसमें तो भाई तेरी ही साख बढ़ेगी कि नहीं? यही नहीं, प्रधान जी तुझे 5000 रुपए भी देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, कोई 2000 रुपए खर्च कर दीजो और जो बाकी बचे वो तेरी कमाई होगी। मुझे सोचने का भगत दो कछु। हाँ हाँ सोच ले, एक आध दिन का बखत चाहिए तो सोच ले। अभी तो नामांकन भरने में 3 रोज का बखत बाकी है। और ये भी सोच ले कि नामांकन भरने के बाद और वोट वाले दिन जब प्रधान जी तुझे गले से लगावेंगे तो आसपास के गांव में प्रधान जी की साख बढ़ेगी। अरे मेरी क्या साख बढ़ेगी, साख तो इस गांव की बढ़ेगी। लोग यूं कहेंगे कि भाई असली प्रजातंत्र जो है वो तो करमपुरा में ही है। बस दयाराम मुझे अब प्रधान जी की इच्छा का मान तो रखना ही पड़ेगा, पर प्रधान जी एक बार मुझे माँ बाप से तो पूछना ही पड़ेगा। हाँ पूछ रहे पूछ रहे। मेरे बापू ने आप सबन के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तो शर्म से गड़ी जा रही हूँ। और जाके बापू को कछु कहने सुनने से कोई फायदा भी ना है। एक बात जरूर है, तुम लोगन के साथ वो जाति का बदला हम माँ बेटी जगत अम्मा को वोट देकर जरूर उतारेंगे। पर मुझे बिल्कुल ही एक अलग बात करनी है। अब ये नई बात का है, हम सबन
अपनी पढ़ाई से ज्यादा प्रधानी के चक्कर में पड़ गए हैं। अब साफ साफ कह क्या कहना चाह रही। चलो माना ताई कल प्रधान बन जाएगी, फिर? अरे फिर कहाँ, फिर यही होगा कि अनपढ़ होने के कारण हम वैसे के वैसे बेवकूफ बनते रहेंगे। ताई को जो जहाँ कहेगो वही अंगूठा लगा देगी। जे सही कह रही, अब मारी मानो तो हरी राम को खड़ा कर दो प्रधानी में। हाँ हाँ, वैसे भी वा ने अब जही गांव में रहने का पक्का इरादा बांध लियो। हाँ तो फिर हरी राम के नाम पर फैसला मंजूर। बोलो, अरे बोलो सबके साथ। हाँ, हाँ, मंजूर है, मंजूर है। लो हरी राम आ भी गो। एक बहुत बढ़िया खबर लेके आया हूँ। हाँ बोलो। रे आप दोनों भी यहाँ? अरे अब ये लोग भी हमारे साथ हो लिए हैं। हाँ बेटा, हमारा भी कछु ईमान धर्म है। वैसे तू कौन सी खबर लाया है? खबर ये है कि प्रधान जी हमें अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। और हम भी तुझे प्रधान जी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ताई ताई, प्रधान जी तो हमें अपने खिलाफ इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि पहले तो वो हमें भारी वोटों से मात दे और फिर सब गांव वालों के सामने हमें अपने गले लगा के अपना मान सम्मान बढ़ावे। भैया हम सबन का भी यही फैसलो है कि अब तुम ही चुनाव लड़ोगे। पर क्यों? वो इसलिए कि अभी हम सबन में जो थोड़ी बहुत बुद्धि आई है अब उसका इस्तेमाल अपनी वोट डालने के अधिकार को लेके करेंगे और गांव की देखरेख और उसको चलाने का भार तभी संभालेंगे जब हम इस लाख हो जाएंगे। मतलब जब हम अच्छा खासा पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तब। जी सही कह रही हैं सब, पर मेरी एक शर्त है। भाई मुझे विश्वास है कि अगले इलेक्शन तक आप सब लोग इतना तो जरूर पढ़ लोगे कि गांव की बागडोर अपने हाथों में ले सको। मतलब कि अगली बार गांव की प्रधान कोई महिला होगी। ये तो सब काम चुपचाप होना चाहिए, प्रधान जी को जे ना पता पड़े कि हमने अंदर अंदर का सोच रखी है। हाँ, कि हार जीत का फैसला तिकड़म सुना वोट पड़ने के बाद ही होया करे। वैसे प्रधान जी, बेचारे हरिराम को उसके घर के अलावा गांव में और किसी के वोट भी मिल जाएंगे कि ना? अरे उसके लिए तो पूरे 10 वोट का इंतजाम कर रखा। देख मैं अपना वोट तो उसे दूंगा ही, और मैंने मुनिया और उसकी अम्मा से भी कह रखी कि भाई अपना वोट जो है हरिराम को ही डालियो, और मैंने सुखिया से भी कह रखा कि भाई हरिराम जो है अपना ही छोरा है, अरे गांव के एक दो बुजुर्ग उनके वोट भी पड़ जान दो उसे। फिर तो हो ही जाएंगे 10 वोट तो। चल तू भी क्या याद करेगा, तू भी अपना वोट जो हरी राम को ही डाल दियो, और भैया दयाराम तू भी हरी राम को ही अपना वोट डाल दियो है। अब हो गए पूरे एक दर्जन के नाम। प्रधान जी लड्डू आ गए हैं। अच्छा, बैठक में रखे हैं। सही है, लड्डू फड्डू भी आ गए, सब तैयारी पूरी है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसा है तू? अरे प्रधान जी, ये तो आपके ही गले में जचे। भाइयों बहनों और भाई गांव के मेरे बड़े बुजुर्गों, आज नहीं तो कल चौधरी हरिराम जैसे जवानों को इस गांव की बागडोर संभालनी पड़ेगी। परिणाम घोषित होने के बाद मेरी बैठक पे आ जाइयो। जी जरूर आऊंगा, जरूर। भाई देख, यो जो हार जीत की बात जो है ना, यो तो सब ईश्वर के ही हाथों में है, पर एक बात मैं कह दूं कि अब से इस गांव के चलाने में तुझे भी शामिल होना पड़ेगा। जो हुकुम प्रधान जी। भाई आप प्रधान हैं। जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ मुनिया की माँ, मैंने भी गांव की भोली भाली औरतन ने धोखा दियो, और सब औरतन ने मिलके मुझसे बदला लियो। बापू, तुमसे किसी ने बदला नहीं लिया, तुम्हें तो गांव की औरतन ने सबक सिखायो। राम राम चौधरी जी। आओ प्रधान जी। जीता रहे बेटा, आ यहाँ बैठ। चौधरी जी, मैं आपसे माफी भी चाहता हूँ और आशीर्वाद भी चाहता हूँ। बस एक ही बात को दुख रहेगा हरिराम, मैंने गांव की औरतन के संग जो बुरो बर्ताव किया है उसका बदला भगवान ने मेरी बिटिया सुलियो।
सोननगर के प्रधान ने अपने छोरे का रिश्ता मेरी मुनिया से तोड़ दिया। कहने लगा, चौधरी अब तुम हमारी बराबरी के ना रहे। तुम ही तो कहते थे सोने में पीली करके विदा करूंगा मुनिया को। लड़की के ससुराल वालों को जेवर के एहसान के बोझ तले दबा के रखना चाहिए। कैसे कैसे जवाब दे दिया वाने, कोई न थामेगा वहां को हाथ, चाहे सोने से ला दो चाहे हीरे से। चौधरी जी, अगर आप और मेरे घर वाले तैयार हो तो मैं थाम सकता हूँ मुनिया का हाथ। क्या, पर अब तो हम तेरी बराबरी के भी ना रह गए। चौधरी जी, बात बराबरी की नहीं है, बात है मेरी और मुनिया की पसंद की। ये क्या कह रहे हो तू? आप चाहो तो मुनिया से पूछ लो। मुनिया की पसंद के बारे में तो मुझे पता था, पर मैं तो बराबरी के चक्कर में वह सोनपुर जीता के... रहे बेटा, रहती दुनिया तक जीता रहे। पर चौधरी घनश्याम, मेरी एक शर्त है। दान दहेज में कोई कमी ना रखूंगा धनीराम, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होए है। दहेज भी चाहिए, बहू भी चाहिए, पर सोने में पीली नहीं, शिक्षा के रंग में रंगी हुई। भाई मैं तो यू ही कह सकूं कि सिर्फ मेरी मुनिया बेटी आई ना, बल्कि इस गांव की हर छोरी शिक्षा से लद के ही अपने ससुराल के लिए रवाना हो। फिर जगी चेतना नारी में, कुछ शब्द खिले हर क्यारी में, नारी शक्ति के साज मिले, अल्फाज से जब अल्फाज मिले, हरा हुआ नारी का दामन, जब बरसा अक्षर का सावन। उस्ताद हाँ, चलते हैं। चलो फिर मिलते हैं।